CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 9 के लिए उर्दू की पाठ्य पुस्तक नवाए उर्दू भाग 1। आइए सुनते हैं नवाए उर्दू भाग 1 का 22वां सबक। अख्तर अंसारी, सफा नंबर 170। तारुफ़े शायर अख्तर अंसारी, 1909 ईस्वी से 1988 ईस्वी तक। अख्तर अंसारी बदायूं उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। उन्होंने दिल्ली और अलीगढ़ में तालीम हासिल की, फिर वो आला तालीम के लिए लंदन गए, मगर वालिद की अलालत के बाइस जल्द वापस आ गए। पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबाए उर्दू से वाबिस्ता हुए, उसके बाद ट्रेनिंग कॉलेज में बहैसियत लेक्चरर उनका तकर्रुर हुआ। 1974 ईस्वी में वो रिटायर हुए और आखिर वक्त तक अलीगढ़ ही में रहे। उनकी अदबी जिंदगी का आगाज तालिबे इल्मी के ज़माने में हुआ। वो शुरू में शिबली और केट से मुतासिर हुए, लेकिन बाद में उन्होंने तरक्की पसंद अदबी तहरीक के असरात कबूल किए और शायरी को सियासी और समाजी शऊर के इजहार का जरिया बनाया। अख्तर अंसारी ने अफसाने भी लिखे और तनकीद भी, लेकिन उन्हें शोहरत कतात से मिली। एक अदबी डायरी, उफादी अदब, गजल की सरगुजिश्त, गजल और गजल की तालीम उनकी नसरी तसनीफात हैं। नगमाए रूह, रूहे असर, दहाने जख्म, खुंदाहे सहर, दर्द व दाग, शोलाए बजाम और आबगीने अख्तर अंसारी के मजमूए हैं। सफा नंबर 171। इम्कानात, शायर अख्तर अंसारी। कदम आहिस्ता रख के मुमकिन है कोई कोंपल जमीन से फूटती हो। कदम आहिस्ता रख के मुमकिन है कोई कोंपल जमीन से फूटती हो, या किसी फूल की कली सरे दस्त मजे ख्वाबे अदम के लूटती हो। मश्क, लफ्ज़ो मानी। सरे दस्त, फिलहाल अभी। अदम, वो दुनिया जहां इंसान मरने के बाद जाता है, वजूद का ना होना। गौर करने की बात, इस कते में इस बात की तलकीन की गई है कि हमें जिंदगी को एहतियात के साथ दूसरों का ख्याल रखते हुए गुजारना चाहिए, या इस तरह जीना चाहिए कि दूसरों को दुश्वारी ना हो। सवालों के जवाब लिखिए। सवाल नंबर 1, कली का ख्वाबे अदम के मजे लूटने से क्या मुराद है? सवाल नंबर 2, इस कते में शायर क्या कहना चाहता है? अमली काम, इस कते को जबानी याद कीजिए और खुश खत लिखिए। सफा नंबर 172। आरजू, शायर अख्तर अंसारी। दिल को बर्बाद किए जाती है, गम बदस्तूर दिए जाती है, मर चुकी सारी उम्मीदें अख्तर, आरजू है कि जिए जाती है। मश्क, लफ्ज़ मानी। बर्बाद, तबाह। बदस्तूर, हमेशा की तरह मुसलसल। गौर करने की बात, इस कते में शायर ने यह बताने की कोशिश की है कि हालात किसी कदर नाखुशगवार हों, तब भी जीने की आरजू हमेशा कायम रहती है। सवालों के जवाब लिखिए। सवाल नंबर 1, आरजू है कि जिए जाती है से क्या मुराद है? सवाल नंबर 2,
اس قطعے میں کیا بات کہی گئی ہے؟ عملی کام۔ قطعے کو بلند آواز سے پڑھیے اور زبانی یاد کیجیے۔ قطعے کے مفہوم کو اپنے الفاظ میں لکھیے۔ صفحہ نمبر 173۔ شب پر بہار۔ شاعر اختر انصاری۔ شب پر بہار، اندھیری رات، خاموشی، سرور کا عالم۔ اندھیری رات، خاموشی، سرور کا عالم، بھری ہے قہر کی مستی ہوا کے جھونکوں میں، سکوت بن کے فضاؤں پہ چھا گئی ہے گھٹا، برس رہی ہیں خدا جانے کیوں میری آنکھیں۔ صفحہ نمبر 173۔ شب پر بہار۔ شاعر اختر انصاری۔ شب پر بہار، اندھیری رات، خاموشی، سرور کا عالم۔ اندھیری رات، خاموشی، سرور کا عالم، بھری ہے قہر کی مستی ہوا کے جھونکوں میں، سکوت بن کے فضاؤں پہ چھا گئی ہے گھٹا، برس رہی ہیں خدا جانے کیوں میری آنکھیں۔ صفحہ نمبر 174۔ مشق۔ لفظ و معنی: سرور، نشہ، قہر، غضب، سکوت، خاموشی۔ صفحہ نمبر 174۔ مشق۔ لفظ و معنی: سرور، نشہ، قہر، غضب، سکوت، خاموشی۔ سوالوں کے جواب لکھیے۔ سوال نمبر 1۔ اس قطعے میں شاعر نے فطرت کی کن کیفیات کو بیان کیا ہے؟ سوال نمبر 2۔ ہوا کے جھونکوں میں کیسی مستی بھری ہوئی ہے؟ اسی کے ساتھ نوائے اردو بھاگ 1 کا 22واں سبق یہاں ختم ہوا۔ اس کے بعد سبق 23 آتا ہے۔ پرستوتی CIET NCERT نئی دلی، بھارت۔